अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 16 है ये, और आज की रिसर्च और आज का क्वेश्चन ये है कि कॉकटेल्स को जल्दी ब्रीड पर कैसे लाया जाए विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेटेड फार्मूला। नेचुरली आपने कैसे कॉकटेल को ब्रीड पर लाना है, अगर उसकी एज पूरी हो गई है, ब्रीडिंग के लायक है, बट वो ब्रीड नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा पेयर, तो आपने उसको नेचुरली कैसे ब्रीड पर लाना है, वो तरीका पूरा मैं आपको बताऊँगा। बट पहले ये देख लें कि कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं मेरे कॉकटेल। ये देखें ये क्या कर रहा है गाइस, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं गाइस, देखें पता नहीं क्या गंदी गंदी हरकतें करने लग गए हैं मेरे कॉकटेल्स। ये वही नेचुरल तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया और ये गंदी गंदी हरकतें शुरू हो गई हैं। ये देखें ना आप, ये कर क्या रहा है मुझे बताएं। पीछे उसके ऊपर बैठ गई है ये, कहीं उसको हवा में उड़ने का तरीका तो नहीं बता रहा, कहीं तैरने का पानी में, देखें। मजाक कर रहा हूँ गाइस, कभी कभार थोड़ा सा मजाक भी हो जाना चाहिए। खैर मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि नेचुरली कॉकटेल्स को जल्दी ब्रीड पर कैसे लाना चाहिए। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अक्सर एक सवाल उठता है कि कॉकटेल्स को, कई जो बेचारे नए शौकीन होते हैं ना, वो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं बेचारे। अच्छा ये बताएं कि कॉकटेल्स के लिए जो है वो मटकी यूज़ करें या बॉक्स यूज़ करें। भाई बॉक्स यूज़ करो, क्योंकि दुनिया दुनिया भर में बॉक्स में ब्रीड ली जाती है। पहली बात तो ये कि बॉक्स बड़ा होता है, ठीक है, मटकी जो है वो छोटी होती है। अमूमन जो मटकियाँ हम देखते हैं जो एशिया में होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन तक के लिए तो सही रह जाती हैं वो, बट कॉकटेल में मज़ा नहीं आता, बच्चे भी कम निकलते हैं। उसका मसला ये है कि वो सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। कॉकटेल में स्पेस, सॉरी बॉक्सेस में स्पेस भी ज़्यादा होता है। देख रहे हैं आप कितनी खुली डुली गई है, इसमें छः छः सात सात बच्चों का जो है रेशो निकलता है, ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। और कॉकटेल्स बासानी अंदर बाहर आ जा सकते हैं फीड करवाने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। मटकी में तो समझ ही नहीं आता, कॉकटेल मुंह नीचे करता है खिलाने के लिए बच्चों को, कुछ चार बच्चे चढ़ जाते हैं, कॉकटेल को समझ नहीं आता मैं नीचे उतरूं कि ना उतरूं, फिर वो कभी ऊपर रह जाता है, कभी नीचे कूद जाता है, फिर ऊपर, इस तरह के मसले होते हैं मटकी में, बॉक्सेस में इस तरह के नहीं होते। अच्छा खैर अब पहले सवाल पे आते हैं कि भाई कॉकटेल को ब्रीड पर कैसे लाना है, यानी कि कॉकटेल का पेयर मेरा तैयार हो चुका है, उसकी एज भी पूरी हो गई है, मगर वो गंदी हरकतें नहीं कर रहा। तो गंदी हरकतें कैसे करवानी है बता रहा हूँ मैं आपको। अब मजाक कर रहा हूँ गाइस, कभी कभार आपको हंसाने के लिए कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस हो जाती है हर रिसर्च मेरी। थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। अच्छा आपने क्या करना है कि जी नेचुरली कैसे आपने इसको एम्फसाइज करना है ब्रीडिंग के लिए कॉकटेल्स को अपने, वो इस तरह से होता है कि आपके कॉकटेल की एज पूरी हो गई है, तो आप क्या करें, चनों का इस्तेमाल करें। चने जो हैं वो घोड़ों को भी दिए जाते हैं, काले चने की बात कर रहा हूँ, छिलके वाली चने की दाल जो होती है, ठीक है, वो घोड़ों को भी दी जाती है ताकत के लिए, फर्टिलिटी के लिए, रेसिंग के लिए, यानी कि वो इतनी फ़ायदेमंद होती है कि वो इम्यून सिस्टम और इनके स्पर्म्स जो है, स्पर्म काउंट बढ़ा देती है कॉकटेल्स में, कॉकटेल का जो फर्टिलिटी रेशियो है वो बढ़ा देती है, कैल्शियम डिपॉजिट करती है कॉकटेल्स की बोन्स में। तो चने आपने देने कैसे हैं जी, रात को भिगो के सो जाएं, सुबह वो फूल जाएंगे, दे दीजिएगा। अब आप बोल रहे होंगे चने उबाल के भी तो दे सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हैं उबाल के, बट उबालने में ये होता है कि चनों की जो ताकत है वो 20% कम हो जाती है, क्योंकि जब आप बॉईल करते हैं तो चनों का जो कुछ फ़ीसद ताकत होती है वो बॉईल होने की वजह से बर्न हो जाती है, ठीक है। तो जब आप भिगो के रखेंगे उसमें इतनी बर्न नहीं होगी, वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, सुबह आप दे सकते हैं, सुबह बिल्कुल वो हो जाती, नरम हो जाती है चने की दाल, ठीक है। अच्छा अब सेकंड क्या है, सेकंड एग फूड। एग फूड बहुत अहम माना जाता है भाई। अच्छा चने की दाल जो है वो आप जब बच्चे दिए हों तब भी उसको एज अ सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और एग फूड जो है वो भी इसी तरह है, आप उसको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रीड पर लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉकटेल्स को, और जब बच्चों को फीड करवा रहे हो तब भी आप दे सकते हैं, बहुत शौक से फीड करवाते हैं कॉकटेल्स के बच्चों को, तो अच्छा है ये एग फूड। और वो अब तीसरी और थोड़ी सी सेंसिटिव बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक ये है कि सन कनेर के सीड्स। लेकिन आपने ख्याल ये करना है भाई, कॉकटेल्स को सन कनेर खाली ब्रीड पर लाने के लिए ही दिया जाता है, यानी कि उकसाने के लिए, ब्रीड करने के लिए दिया जाता है। जब वो ब्रीड कर लें, अंडे दे दें, तो फिर आप सन कनेर के बीज डालना बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। अगर इन्होंने सन कनेर के बीज खा के बच्चों को फीड करवा दिया तो बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह का नहीं होता कि वो डायरेक्टली सन कनेर का बीज जो है वो डाइजेस्ट कर सकें, बिकॉज सन कनेर का बीज जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर द चिक्स, तो इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करें उसको। अच्छा जो मैंने आपको एग फूड का बताया वो आप साला साल दे सकते हैं, चने भी भिगो के साला साल दे सकते हैं, चनों से फर्टिलिटी आती है, अच्छा रेशो आ जाता है। अगर आपके पास 5 अंडे निकलते हैं और उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं, 5 अंडे देती है फीमेल बट 2 बच्चे निकल रहे हैं, 3 बच्चे निकल रहे हैं, चने डालने से ये होता है कि 5 अंडों में से पाँचों के पाँचों बच्चे निकल सकते हैं आपके पास, और अंडों की तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। अगर पहले 3 अंडे दे रही थी फीमेल,
तो हो सकता है आप 4 या 5 देना शुरू कर दें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर मेरी वीडियो में कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई नई बात होती है। सारी वीडियोज़ आप एक एक करके देख लिया करें, ठीक है? तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, यार मेरे तोता तेल जो है ना ब्लीद नहीं तल्ले, तो ये आपको पूछना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ नहीं जाएगा आपका। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोज़ तो लाइक कर लिया करें, कोई सवाल हो तो कॉमेंट कर लिया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।